मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चलती कार में लगी आग, ड्राइवर ने कैसे बचाई जान, आग से कैसे जलकर राख हो गए 3 गोदाम। नकाब विवाद में हथियार के साथ वो 2 कौन लोग हुए गिरफ्तार, तो मुंबई में 70 लाख की डकैती का आरोपी बनारस से कैसे हुआ गिरफ्तार। मसूद आलम की टिकट कटने पर कार्यकर्ताओं का कैसा हुआ हंगामा, ये सब खबरें देखिए हमारे आज के टॉप 5 में। मगर सबसे पहले आपको बताते हैं, भिमंडी हाईवे पर एक चलती हुई कार में अचानक भयानक आग लग गई। ये कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आग की ऊंची ऊंची लपटों से कार घिर चुकी है। ये हादसा मुंबई नासिक हाईवे पर हुआ है। मगर गनीमत यह रही कि कार के इंजन से धुआं निकलते देख ड्राइवर ने कार रोका और कार से बाहर निकल गया। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया, मगर तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। वही भिमंडी के खोखा कंपाउंड में आग लगने से 3 गोदाम जल गए हैं। बताया जा रहा है कि आग रात के समय में लगी है। इन गोदामों में भंगार था। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग कैसे लगी अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। कर्नाटक हिजाब विवाद के बीच कॉलेज के पास से घातक हथियार ले जा रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम रजब 41 साल है और अब्दुल मजीद 32 साल है। दोनों के खिलाफ कर्नाटक के कूड़ापुर के गंगोली थाने में FIR दर्ज की गई है। इन पर हत्या के प्रयास और घातक हथियार, दंगा करने, आपराधिक जैसी साजिश का आरोप लगा है। मुंबई में 70 लाख की डकैती करने वाले आरोपी को बनारस से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई के मुलुंड इलाके से 70 लाख की डकैती के मामले में जौनपुर निवासी सनी भारद्वाज को UP STF की टीम ने बनारस से गिरफ्तार किया है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच के 288 कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र का है। समाजवादी पार्टी के विधायक पद के दावेदार मसूद आलम खां का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मसूद आलम की फिर से टिकट बहाली की मांग की है। सबसे पहले तो मैं इमरान खान, मैं डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से, और पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बलरामपुर की 4 सीटें हैं। अब मसूद भाई का जो टिकट देखे वापस ले लेना, इसके वजह से जनता में इतना आक्रोश है कि उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये सुन लो। दूसरी चीज़ ये है कि मसूद भाई गंगी जमुनी तहजीब के पैरोकार हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का एक जो चिराग जलाया था, उसके तहत हमारे मंडल के वो ब्रांड हैं, और उनको टिकट देके वापस ले लेना जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। और मैं अखिलेश यादव जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मैं समाजवादी हूँ, मैं ये उनसे कहना चाहूँगा कि इस पर पुनः विचार करें, और कैसरगंज मसूद आलम खां जीत रहे हैं उसको दे दें, ना तो सिर्फ गवानी उनको पड़ेगी और इस वजह से सारे मंडल में दिक्कत आएगा मसूद आलम खां का टिकट कटने की वजह से।